हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू ब्यूटी टिप्स बाय बबली। आज मैं आपको अपनी फेवरेट रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे मैं हमेशा यूज करती हूँ, जो आप भी यूज करने वाले हैं। आपकी स्किन को गोरा निखार लाएगी ये रेमेडी। आप इसे सुबह लगाइएगा, आप नहाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगी, आपकी टैनिंग को, कालेपन को, दाग धब्बों को, झाइयों को, सब चीज़ को ख़त्म करके आपकी स्किन पर जो झुर्रियाँ हैं उन्हें भी ख़त्म करने वाली है और आपकी स्किन को गोरा निखार देने वाली है रेमेडी। सिर्फ 10 या 15 मिनट का काम है फ्रेंड्स, और आप इससे गोरा निखार, चमकदार स्किन पाएंगे। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल नेचुरल है। सारा सामान आपको आपके किचन में मिल जाएगा। 100% वर्किंग रेमेडी है, मैं इसकी आपको गारंटी देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लेना है आपको एक बाउल में बेसन। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन। बेसन डेड स्किन को रिमूव करता है फ्रेंड्स। बेसन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो हमारी सेहत के लिए, बालों के लिए और स्किन के हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है, दाग धब्बों को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके बाद लेना आपको चंदन पाउडर। 1.5 चम्मच चंदन पाउडर ले लीजिएगा 2 चम्मच बेसन में। फ्रेंड्स, चंदन पाउडर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो स्किन पर पड़े दाग धब्बों को ख़त्म करता है, स्किन को साफ करता है, स्किन को ठंडक देता है, स्किन को निखारने में हेल्प करता है। झाइयाँ हैं, झुर्रियों की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, उन्हें ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके बाद लेनी है आपको हल्दी। 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा, किचन की है तो कस्तूरी है तो आधी चम्मच लीजिएगा, मेरे पास ही किचन की है। तो फ्रेंड्स, हल्दी है उनको निखारने में हेल्प करने वाली है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने वाली है। इसके बाद लेना है आपको नींबू। डरना नहीं है कि भाई नींबू हमें सूट नहीं आता, तो फ्रेंड्स नींबू इसमें ज़्यादा नहीं डालना, बस 5-6 बूंद आपको इसमें नींबू की डालनी है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है भरपूर, जो आपकी झाइयों को, दाग धब्बों को और झुर्रियों को ख़त्म करने में हेल्प करने वाला है। इस रेमेडी में मिलकर आपकी स्किन को साफ करने वाला है, आपकी स्किन पर निखार लाने वाला है नींबू। तो ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस इतना ही ऐड करना है जितना देखे मैंने किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है दही। इसमें आपको 2 चम्मच दही ऐड कर देनी है। दही आपकी स्किन को साफ करेगी, दही में लैक्टिक एसिड होता है, दही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, आपकी स्किन पर जितने दाग धब्बे हो गए हैं, कालापन है, उसे साफ करेगी और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी, डलनेस को ख़त्म करेगी। इसके बाद लेना है आपको गुलाब जल, और गुलाब जल आपको इसमें इतना ही डालना है जिसमें ये ठीक सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। गुलाब जल भी आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, स्किन की टोन को निखारने में हेल्प करेगा, आपकी स्किन पर जितने डार्क स्पॉट्स हैं, पिम्पल्स हैं, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, जो भी लक्षण शुरू हो गए हैं उन्हें ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा सा क्रीमी रूप में ये हमारा आज का फेस पैक बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, अपने पैरों पर भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं, जो काला पन आ जाता है गर्दन पर, आप वहाँ भी लगा सकते हैं, और चेहरे पर तो डेफिनेटली लगा ही सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, 100% वर्किंग है। मैं इसे खुद यूज करती हूँ, डेली लगाती हूँ, सुबह नहाने से पहले 10 मिनट 15 मिनट लगाना है, फिर देखिए आप अपनी स्किन कितनी बेदाग, सुंदर और निखार पाएंगे अपनी स्किन पर। साथ ही आपके जितने डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएंगी। जब आप इसे कंटिन्यू यूज करेंगे, देखिए कितना थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है हमारा, कितना सुंदर इस फेस पैक का कलर हुआ है। तो ऐसे ही हो जाना है, जब आप इसे मिक्स करेंगे तो मिक्स करके आपको इसे अपने चेहरे पर लगाना है। पहले आपको अपना चेहरा धोना है फ्रेंड्स, अगर मेकअप किया है तो उसे साफ करिएगा, सनस्क्रीन लगाइए तो उसे भी हटाइएगा, और फिर आपको ठीक इस तरह से अपने चेहरे पर इसे अप्लाई करना है। देखिए जैसे मैं आपको हाथ पर लगा के दिखा रही हूँ, इसका रिजल्ट आपको मैं अपने हाथ पर दिखाऊंगी। इंस्टेंट ग्लो भी आएगा, इंस्टेंट स्किन निखरेगी, साफ सुथरी बनेगी। तो आपको इसे अपने चेहरे पर लगाकर फिर आपको क्या करना है, इसे छोड़ना नहीं है, आपको इसकी मसाज करनी है कम से कम 2 मिनट तक, खूब अच्छे से आपको इसकी मसाज करनी है, जैसे फेशियल की मसाज करते हैं फेशियल क्रीम की। तो आपको खूब अच्छी तरह से मसाज करनी है, सारी डस्ट, सारी गंदगी, सारी डेड स्किन सब उतार देगा, सब निकाल के बाहर ले आएगा, और आपकी स्किन ऑटोमेटिकली चमकदार बन जानी है, स्किन पर निखार आ जाना है। पहली बार के इस्तेमाल से आपको 100% असर दिखाई देगा, विजिबल चेंज दिखाई देगा आपको अपनी स्किन पर पहली बार में ही, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इतनी श्योरिटी से। तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा आपको इसे अप्लाई करना है मसाज करने के बाद, और फिर अप्लाई करके आपको छोड़ देना है इसे
बस कम से कम 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, इतना समय तो आपको देना होगा, नहीं तो रेमेडी अच्छे से वर्क कैसे करेगी। तो आपको 15-20 मिनट छोड़ना है, तब तक आप बाकी के काम निपटा लीजिए, जो भी घर में काम तो बहुत होते हैं। तो उसके बाद आपको अपना चेहरा नॉर्मल पानी से धोना है, और इसके बाद वीडियो ख़त्म नहीं हुई फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी। धोकर अपना चेहरा तौलिए से पोंछ लीजिएगा, और फिर आपको एक चीज़ और करनी है, तो अपने चेहरे पर आप चमक पाएंगे। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, मैंने भी हैंड वॉश कर लिया था, इंस्टेंट ग्लो है, स्किन निखर गई, स्किन साफ हो गई, क्लीन हो गई, ऐसे ही आपका चेहरा हो जाएगा जब आप इसे डेली लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसे नहाने से पहले भी लगा सकते हैं, इसके बाद बस आपको कोई साबुन के लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं है, आपकी स्किन इससे क्लीन हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी और निखार भी आएगा, साथ ही आपके डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, जूनियर सब खत्म करता चला जाएगा ये। तो आपको लेना है, जैसे आपने नहाने से पहले उसे लगा लिया और धो लिया, फिर नहा लिया, उसके बाद लेना आपको एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाना बहुत ज़रूरी है, फिर नहाकर आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल की मसाज कर सकते हैं। खूब अच्छे से आपको मसाज करनी है अपने चेहरे पर, जब तक कि वो स्किन के अंदर ना समा जाए। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्किन पर चमक बनी रहेगी, स्किन मुलायम बनेगी, और जो डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ हैं, रिंकल्स हैं, उन पर भी एलोवेरा जेल इस रेमेडी के साथ मिलकर काम करने वाला है। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने वाला है, बेदाग बनाने वाला है, बहुत हेल्दी स्किन बनेगी आपकी अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बस कोई साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये एक नेचुरल रेमेडी है। आपकी स्किन की सारी गंदगी, सारा कालापन, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, इनको ख़त्म करेगी, और आप देख सकते हैं चेंज। नीचे से मेरा हाथ ब्लैक है, ऊपर से हाथ की क्लियर स्किन है, निखर गया है मेरे हाथ का कलर। तो बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक हाथ की मेरी ब्लैक स्किन है, डल स्किन है, और जो दूसरा हाथ है उसकी निखरी हुई स्किन है और ग्लोइंग स्किन है। अब विजिबल चेंज आपके सामने है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो बहुत अच्छी रेमेडी है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके चेहरे पर भी ऐसा ही काम करेगी। तो आप इसे रोज़ाना लगाइएगा, ऑल स्किन टाइप है, कोई नुकसान नहीं, कोई केमिकल नहीं, बहुत बेहतरीन रेमेडी है। सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जानी है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगना, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना, और ग्लो पाएंगे आप पार्लर के फेशियल जैसा। तो देखिए है ना कितने सस्ते में काम हो गया। तो रेमेडीज बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नुकसान नहीं देती स्किन पर, केमिकल फ्री होती है, तो ज़्यादातर रेमेडीज यूज किया करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फिर आऊँगी आपके लिए एक अच्छी सी रेमेडी लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।